हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूँ दीक्षा सर्टी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट का तो अभी फॉर्म भर रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा जिसका लास्ट ईयर 2011 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्या कट ऑफ था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या था। तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं उसके ऊपर मैं और एक जो है क्लैरिफिकेशन नोटिस, वो भी फॉर्म अपलोड कर चुका हूँ वीडियो को। अगर अभी भी डाउट है तो आप ज़रूर उसको देख लीजिए, लेकिन फॉर्म भर दीजिए बच्चों, जितने भी हैं आप। 100 रुपीज़ जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। आप फॉर्म भर दीजिए, बाद में आप एलिजिबल है नहीं है वो बाद में देखा जाएगा। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये 2011 का क्लैरिफिकेशन है, तो जल्दी आज इस बार का भी क्लैरिफिकेशन नोट आ जाएगा। तो दोज जो बीटेक और बीई इसी के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वो ज़रूर भर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट 2011 का कट ऑफ क्या था। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग का क्या है। तो देखिए, 2011 में टोटल 2029 कैंडिडेट को क्वालिफाई करा गया था पेपर टू के लिए, ठीक है। तो वो पेपर वन का जो कट ऑफ है वो देख लेते हैं। तो देखिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 66.50 था और कैंडिडेट 338 थे। शेड्यूल ट्राइब के लिए 56 कट ऑफ था, 164 जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। ओबीसी के लिए 74.50 और 829 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, और जनरल का वहीं पे 85 था और 604। तो टोटल 2029 को क्वालिफाई किया जा रहा है। तो देखिए, बहुत ही कम था कट ऑफ। आप अगर देखें एसएससी का जो ये ट्रेंड था तो कट ऑफ कम ही था, तो इस बार भी थोड़ा सा तो ज़्यादा जाएगा ही। तो लेकिन कट ऑफ देखिए अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है, कैंडिडेट बहुत कम हो जाते हैं, बहुत लिमिटेड कैंडिडेट जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस इसकी तरह कैंडिडेट नहीं रहते, तो इसका अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा है। तो चलिए देखिए पेपर टू का क्या है। तो देखिए, पेपर टू में टोटल 976 कैंडिडेट को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और उसका कट ऑफ जो था पेपर टू का, वो देखिए एससी के लिए 126.50 कैंडिडेट थे, 181। एसटी के लिए 120.25 कैंडिडेट, 86। ओबीसी के लिए 145 कैंडिडेट, 440। और जनरल का जो कट ऑफ गया था 177.50, जो आपका 225 था। तो टोटल 976 कैंडिडेट को बुलाया गया था, और वैकेंसीज जो था वो 464 सीट्स था खाली, ठीक है। तो अगर कट ऑफ जनरल कैटेगरी का बोथ दोनों पेपर मिला के बोले तो जनरल के लिए 241.75 था दोस्तों, ठीक है। और अगर आप टोटल मार्क्स देखें बोथ पेपर का कट ऑफ कैटेगरी वाइज तो देख लीजिए आफ्टर इंटरव्यू, मतलब फाइनल जो था, तो देखिए हाईएस्ट पेपर वन पेपर टू मिला के आपका जो गया था हाईएस्ट मार्क्स 339.75 पेपर वन पेपर टू मिला के, लोएस्ट जो गया था 241.75। सिमिलरली ओबीसी का 291.25 और 229.75 लोएस्ट गया था। एससी का 288.5 और 209.5, एसटी का 262 एंड 198.5। तो ये था एक ओवरव्यू देने के लिए आपको कट ऑफ, सो दैट आप इसी तरह तैयारी कर सके, क्योंकि जैसे सिलेबस भी जानना है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और कट ऑफ कैसा था वो भी जानना है। तो मैं आज कट ऑफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, कल से मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर मैं टॉपिक के ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 में आया था उसका क्वेश्चन दे दूँ टॉपिक वाइज, और इसके ऊपर पूरा मैं एक सेशन चलाऊँगा साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, सो दैट आपको हेल्प रहे सब मटेरियल और पेपर वन पेपर टू दोनों का। तो ज़रूर इसको देखिए वीडियो को, और अच्छा से पढ़ाई कीजिए, पेपर फॉर्म ज़रूर भर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।